बोलिए ना। रिंग का और सर्कुलर डिस्क का आवाज नहीं जा रहा है क्या? शीतल, कुछ पूछ रहे थे सर। तब से बोल रहे हैं कि वॉइस नहीं जा रहा है, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा। अब आ रही है। बोले रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया एमबीए स्क्वायर। क्या रिंग का मास एम है और रेडियस आर है, तो आप एम आर स्क्वायर। अच्छा रिंग का डिस्क का नहीं पूछ रहे हैं। ये बोल रहे हैं ये कोई रिंग है, इसका ये एक्सिस हो गया, इसका रेडियस क्या है आर, इसका मास एम, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? एम आर स्क्वायर, क्या सही लिखे हैं? और इसी को अगर हम डिस्क बना देंगे तो आप एम आर स्क्वायर। क्या सही है? चलो आज का हेडिंग है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रॉड अबाउट अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्वेश्चन है आज का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड अबाउट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, अबाउट अ परपेंडिकुलर
बाइसेक्टर, बोलो तो बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? नहीं मालूम। बाइसेक्टर का मतलब होता है क्या कि जब कोई लाइन है या कोई भी चीज को, ऐसा कोई लाइन जो उसको दो बराबर भाग में काटता है, तो उसको क्या बोलते हैं? बाइसेक्टर। दो बराबर भाग में काटता है तो उसे हम इस लाइन को क्या कहते हैं? बाइसेक्टर लाइन, बाइसेक्टर लाइन, बाइसेक्टर लाइन। और इस पे अगर लंबवत है तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन। हमें उसमें कह रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अबाउट पूछ रहा है। हम मान लेते हैं कि एक रॉड, रॉड दिख गया। इस रॉड में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये हो गया। इस रॉड का मास m है और लंबाई l है। इस रॉड का मास m और लंबाई l है। इसको हम एक्सिस बना दिए। यही कौन सा एक्सिस हो गया? इसी एक्सिस का नाम हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाय सेक्टर लाइन। इसी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। कहने का मतलब ये हो गया कि मान लो यह एक रॉड है। क्या है ये? ये एक रॉड है। इसको ऐसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन से ऐसे नचाया जाता है, ऐसे। इस केस में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? इस केस में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? यही सवाल है। आपको तो पता है कि इसका मास लाइन में डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसमें हम लैम्डा यूज कर लेंगे। इसमें लैम्डा इक्वल टू क्या यूज कर लेंगे? मास बाय लेंथ। तो क्या करते हैं हम लोग, जो जानते हैं डी आई इक्वल टू कंटिन्यूस मास वाले केस में इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू डी एम। हम क्या करेंगे, यहाँ से एक्स दूरी पे हम यहाँ पर एक छोटा सा मास मान लिए। कितना छोटा सा मास? ये कितना लेंथ में है? ये डी एक्स लेंथ में है। तो इसका मास हम क्या ले लेंगे? डीएम। तो डीएम इक्वल टू क्या आ जाएगा? लेमडा इंटू डी एक्स। लेमडा का वैल्यू एम बाय एल इंटू डी एक्स। यहाँ तक समझ में आ गया होगा? समझ में आ गया है ना? हाँ हाँ। तो हाँ इसी में क्या कर देंगे हम, तो हमारे पास डी आई इक्वल टू जो लिखते हैं एक्स स्क्वायर डी एम, डी आई है, डी आई इक्वल टू आ रहा है एक्स स्क्वायर, और डी एम का वैल्यू दे देंगे एम बाय एल इंटू डी एक्स। एम बाई एल कॉन्स्टेंट है तो बाहर कर लेंगे। इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो डी आई इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इंटीग्रेशन जो करते हैं तो इसमें डी लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा आई इक्वल टू लिख लेंगे। अब आप ही बताओ कि इसको अगर हम ओरिजिन मानते हैं, ये अगर वाई एक्सिस हो गया और ये एक्स एक्सिस हो गया, पूरा लंबाई एल है, यहाँ से यहाँ तक का लंबाई कितना है? एल है। तो इसका आधा लंबाई कितना हो जाएगा? इसका आधा लंबाई एल बाई टू, आधा लंबाई एल बाई टू। यहाँ जो पोजीशन आएगा वो एल बाई टू कोमा जीरो आएगा ना कोऑर्डिनेट, और यहाँ जो कोऑर्डिनेट आएगा माइनस एल बाई टू कोमा जीरो। आप ही बताओ कि
इसका लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगा? लिख सकते हैं माइनस एल बाई टू से लेके एल बाई टू तक, सही है ना? अब इसका इंटीग्रेशन बताओ क्या होगा। इंटीग्रेशन लिख देंगे एम बाई एल और एक्स क्यू बाय थ्री माइनस एल बाई टू और ऊपर में प्लस एल बाई टू, सीधा हम एल बाई टू लिख देते हैं। अब क्या कर लेंगे, एम बाई थ्री को बाहर निकाल लेते हैं तो थ्री एल अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या आ जाएगा एल बाई टू का पावर तीन है तो होल क्यू माइनस माइनस एल बाई टू का होल क्यू। समझ में आ गया ना? यहाँ से देखो तो एम बाय थ्री एल कितना आ रहा है, एल के पावर थ्री डिवाइड एट माइनस, देखो माइनस का क्यू है तो माइनस का क्यूब माइनस ही होगा ना, माइनस का क्यूब माइनस ही होगा ना, तो माइनस अब यहाँ माइनस क्या आ जाएगा प्लस, और क्या आ जाएगा एल क्यूब बाय एट, इसका थ्री हम बाहर निकाल लिए हैं। अब एल क्यूब बाय एट और एल क्यूब बाय एट दो बार है, हम क्या लिख लेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा आई इक्वल टू एम बाय थ्री एल इंटू टू एल एल क्यू बाय एट। तो अब यहाँ कटेगा एल से कट जाएगा एल क्यू, तो क्या बच जाएगा एल स्क्वायर, यहाँ कितना कटेगा चार, फोर थ्री जा ट्वेल्व, चार थी अब बारह, क्या आ गया एम एल स्क्वायर बाय बारह। ये याद रखना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मान क्या आ रहा है, आई इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाय ट्वेल्व, इसको नोट कर लीजिए। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है वॉइस में, पिक्चर क्वालिटी में? नहीं, हो गया। हो गया, आगे बढ़िए। हो गया सर। नोट की हो कि स्क्रीनशॉट ली हो? नोट की है। कितना फास्ट। ठीक है, अगला हेडिंग लिखो, बोले लिखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया आगे, एक मिनट लिख ली, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर ऑफ ए रेक्टर सर आवाज नहीं आ रहा है।
ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लेट। सर आवाज नहीं आ रहा है, फिर से शुरू से बोलिए। हम्म, बोले मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लेट अबाउट अ लाइन रेक्टेंगुलर प्लेट प्लेट अबाउट अबाउट ए लाइन अबाउट ए लाइन पैरल टू एन एज ई डी जी ई एज पैरल टू एन एज एंड पासिंग थ्रू द सेंटर एज एंड पासिंग थ्रू द सेंटर। हेडिंग लिख ली। हाँ अब देखो इसमें क्या कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर शीट। रेक्टेंगुलर का मतलब क्या होता है? आयत, आयताकार। क्या होता है? आयताकार। तो मान लो कि ये एक आयताकार है, आयताकार है ना, आयताकार है कि नहीं है ये? इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर शीट। अब इसका सेंटर कहाँ होगा? इस बीच में होगा। और एक ऐसा एक्सिस लेना है जो किसी एक साइड के समांतर हो जाए। क्या हो जाए? समांतर हो जाए। किसी एक साइड का समांतर अगर होगा तो वो एक्सिस हम इसको बोलते हैं। सही है। ये पॉइंट क्या मिल गया? ये सेंटर हो गया। मान लो कि इसकी चौड़ाई कितना है? बी। और लंबाई कितना है? एल। इसका मास किस चीज में डिस्ट्रीब्यूटेड है? एरिया में। इसमें हम सिग्मा इक्वल टू क्या नोट करेंगे? मास बटे एरिया, मास बटे क्षेत्रफल। तो सिग्मा इक्वल टू क्या आ जाएगा? एम। बताओ तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो तो। लंबाई लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई लंबाई कितना है? एल। और चौड़ाई कितना गुनी है? बी। एल इंटू बी। चौड़ाई बताओ इस ऑब्जेक्ट का जितना भी मास है, जितना भी इसमें पार्टिकल्स है, क्या इस एक्सिस से सब पार्टिकल्स बराबर दूरी पे है? नहीं बराबर दूरी पे नहीं है। तब ये बराबर दूरी पे नहीं है, बराबर दूरी पे नहीं है, तो इसमें वही इंटीग्रेशन वाला साइन लगेगा। हम क्या करेंगे? एक छोटा सा मान लेते हैं, यहाँ से एक्स दूरी पे, यहाँ से एक्स दूरी पे एक छोटा सा शीट ले लेते हैं ये। अब बताओ यहां से देखना है, अगर ये एक्स दूरी पे, तो ये दूरी कितना हो जाएगा? डीएक्स डी है। इसका मास क्या ले लेंगे हम? डी है।
इसका क्षेत्रफल कितना हमें लिखेंगे बताओ, तो ये भी आयतकार है ना, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई, इसका लंबाई कितना हो गया b, यही है ना, चौड़ाई dx, तो b इंटू dx लिख देंगे, तो dm इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिग्मा इंटू dA, dm इक्वल टू सिग्मा इंटू dA, तो dm इक्वल टू जो आ गया सिग्मा का बयान क्या आ जाएगा, सिग्मा का वैल्यू आ गया m बाय lb, m बाय lb इंटू dA का मान b इंटू dx, b इंटू dx, तो b और b कट गया, तो dm इक्वल टू क्या आ गया, m बाय l इंटू dx। अब इसमें भी देखो, अगर हम इधर x एक्सिस मानेंगे और इधर क्या मानेंगे y एक्सिस, यहाँ पे कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो माइनस एल वाई टू कोमा जीरो, यहाँ माइनस नहीं होगा, प्लस में एल वाई टू कोमा जीरो, और इस पॉइंट के लिए कितना हो जाएगा, तो माइनस एल वाई टू कोमा जीरो, सही है यहाँ तक, यहाँ तक समझ में आया, तो हाँ बताओ मोमेंट ऑफ इनर्सिया आई इक्वल टू क्या लिखते हैं, आई इक्वल टू क्या लिखते हैं, इंटीग्रेशन स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू डी एम, सही सही है ना, आई इक्वल टू आ गया एक्स स्क्वायर और डी एम का वैल्यू आ गया एम बाय एल इंटू डी एक्स, इसका लिमिट कहाँ से कहाँ जाएगा, इसका भी लिमिट देखो, तो माइनस एल वाई टू से एल वाई टू तक जाएगा, एल सही है ना, आप देखो वाई जब आई इक्वल टू लिखोगे तो एम बाय एल इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस एल बाई टू से एल बाई टू, यहाँ देखो आई बराबर या यही आएगा एम एल स्क्वायर बाय 12, या यही आएगा, हाँ हाँ या यही आएगा फाइनल रिजल्ट, यही आएगा, तो नोट कर लो, इसको समझने में कोई दिक्कत भी हुआ, नोट हो जाए तो बोलना, हो गया सर।
बढ़िया समझ गई ना। हाँ देखो तो वीडियो क्वालिटी ऑडियो क्वालिटी में कोई दिक्कत भी है? नहीं हाँ चलो ठीक है। इसी में मान लो कि एक्सिस को अगर हम पलट देंगे, है ना, जैसे अभी एक्सिस किसके पैरल लिए हैं, बी के पैरल है ना। इस डायग्राम में देखो इसका जो एक्सिस लिए हैं वो किसके पैरल लिए हैं, नहीं देख रही हो? हाँ इसमें जो एक्सिस लिए हैं किसके पैरल है, एल के पैरल है या पी बी के पैरल है? तो के बी के पैरल है तो फॉर्मूला में क्या आ रहा है, एम एल स्क्वायर बाई 2L। अगर इसी में हम किसका पैरल कर देंगे, एल का पैरल कर देंगे, तो फॉर्मूला में क्या आ जाएगा, MB²/2L एम बी स्क्वायर बाई 12। समझ में आ गया? तो इसी में देख लेते हैं, नोट करके लिख लेना ये रेक्टेंगुलर शीट हो गया। क्या हो गया ये रेक्टेंगुलर शीट, ये कितना है बी और ये है एल, बी और एल, ये हो गया लेंथ एल, ये चौड़ाई हो गया डी। अब आप ही बताओ कि अगर ये एक्सिस रहेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एम एल स्क्वायर बाय 12। अगर ये एक्सिस होगा तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा, एम बी स्क्वायर बाय 12। नोट कर लीजिए, हो चलो ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रिंग का तो बता ही दिए हैं, डिस्क का बता ही दिए हैं, अब देखना है गया। मोमेंट ऑफ रिंग और डिस्क। हाँ रिंग और डिस्क का जो बता दिए हैं तो अब चौथा अगला लिखना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म होलो सिलेंडर, यूनिफॉर्म होलो सिलेंडर अबाउट इट्स एक्सिस, अबाउट इट्स एक्सिस, इट्स एक्सिस, ये अब होलो सिलेंडर कैसा होता है बताओ तो आप ही। होलो सिलेंडर मतलब खोखला बेलन, होलो सिलेंडर मतलब खोखला बेलन, बेलन
बेलन। देखो तो ये बेलन ही है ना, तो ये खोखला बेलन है, अंदर से मतलब खाली है, अंदर से खाली है। तो इसका एक्सिस किसको कहेंगे हम? इसके सेंटर से जो लाइन पास करेगा उसे हम क्या कहेंगे? एक्सिस। इसका ये मेन एक्सिस कहलाता है। क्या कहलाता है? मेन एक्सिस। ये बात समझ में आ गया? आप बताओ, इसका अगर मास m है और रेडियस r है, इस बेलन का जितना भी मास है, क्या इसके एक्सिस से बराबर दूरी पे है कि नहीं है? बोलो तो। इस बेलन का जितना भी मास है, क्या वह सब बराबर दूरी पे है कि नहीं है? जैसे आपको पता होना चाहिए कि हम पढ़े थे पिछले क्लास में कि अगर ये रिंग है ना, ये इसका एक्सिस हो गया, इसका भी मास कितना है? एम। और इसका रेडियस क्या है? आर। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या पढ़े हैं? एम आर स्क्वायर। एम आर स्क्वायर पढ़े हैं ना। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या पढ़े हैं? एम आर स्क्वायर। इसी में देखो, इस प्रकार का कितना रिंग है इसमें, इस बेलन में इस प्रकार का रिंग कितना है? बहुत सारा रिंग से मिलके बना हुआ है। देखो, ये भी एक, देखो तो रिंग हो गया, ये भी एक 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 रिंग हो गया, और ये भी एक रिंग हो गया, है ना? तो देखो, ये भी क्या है कि अगर हम एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे और फिर इंटीग्रेशन करेंगे, तो मास का इंटीग्रेशन होगा, डिस्टेंस तो प्रत्येक, जैसे इसमें प्रत्येक पॉइंट मास का क्या है, दूरी इसके एक्सिस से बराबर है, उसी तरह ये भी है, इसके एक्सिस से प्रत्येक पॉइंट का दूरी बराबर है। इसमें सीधा लिख दो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो कितना होता है? एम आर स्क्वायर। ठीक ना? मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? एम आर स्क्वायर। एम्पायर हाँ,
पूजा आज नहीं जुड़ी। पूजा बहेरी गई है। गया। इसी में लिख दो, इसी के हेडिंग में अगला हेडिंग बनाओ, जैसे यूनिफॉर्म होलो सिलेंडर है ना, तो आप लिख दो यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर, बाकी सब सेम रहेगा। होलो को हटा के क्या लिख दो, सॉलिड लिख दो। आगे बताइए। सॉलिड लिख दी ना। अब हाँ जैसे ये देखो सॉलिड है, ये क्या होगा, भरा होगा है ना। तो देखो सॉलिड में जब हम इसको कट करके हटाएंगे तो हमें क्या निकलेगा, एक डिस्क निकलेगा ना, तो ये डिस्क के बराबर हो जाता है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा, एम आर स्क्वायर बाय 2। नोट कर लीजिए, हो गया। अब अगला हेडिंग लिखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म सॉलिड आगे लिख ले। होलो स्फेयर, हाँ अबाउट डायमीटर, अबाउट ए डायमीटर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म, क्या लिखे हो हेडिंग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म होलो स्फेयर ना, हाँ अबाउट अ डायमीटर, अबाउट अ डायमीटर। अब इसमें देखना है जैसे ये क्या है, ये लग रहा है स्फेयर की तरह। हाँ अब इसमें देखो कि जो भी लाइन सेंटर से पास करेगा वो डायमीटर हो जाएगा, तो डायमीटर जो हो जाएगा ये हो गया इसका
डायमीटर, वही इसका क्या हो गया, एक्सिस, ठीक ना, इसी को क्या कहेंगे हम, एक्सिस। इसका मास कितना है, मास एम है और रेडियस आर है। बताओ इसका मास इसके आयतन में है या इसके क्षेत्रफल में है, बोलो तो। अंदर से खाली है, खोखला है, ध्यान रखना, होलो स्फेयर को सेल भी बोला जाता है, होलो स्फेयर को सेल भी बोला जाता है। बताओ इसका मास जो होगा इसके क्षेत्रफल में होगा या इसके आयतन में होगा, बोलिए। क्षेत्रफल में क्षेत्रफल में होगा, क्यों, क्योंकि इसमें आयतन नहीं है। इसका डेरिवेशन थोड़ा लंबा चला जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे देखो इसको हम क्या करेंगे, अगर हमको मान लो एक गोला बनाना है, क्या बनाना है, एक गोला, क्या कर लेंगे, एक छोटा सा रिंग ले लेंगे, फिर एक बड़ा 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 रिंग ले लेंगे, लग रहा है गोला बन जाएगा। हाँ बोलो, हाँ तो क्या गोला किस चीज, खोखला गोला किस चीज के समूह से बना हुआ है, एक छोटा से लेके बड़ा, बड़ा से लेके छोटा, रिंग को मिला के बन सकता है ना। ये इसका क्या हो गया, मान लो ये इसका सेंटर हो गया, यहाँ से क्या करते हैं हम, एक एलिमेंट्री रिंग ले लेते हैं। एलिमेंट्री रिंग मतलब जिस रिंग को हम कल्पना करते हैं, जिस रिंग को हम कल्पना करते हैं, छोटा मिट्टी ये नहीं रहा है, ठीक ना। अब इसी में देखो इसका डायग्राम जो हम लेते हैं, अगर ये सेंटर से ये दूरी कितना है आर, और ये एंगल क्या है थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, ये एंगल डी थीटा हो जाएगा, तो इसका मोटाई कितना हो गया, आर इंटू डी थीटा, दिख रहा है यहाँ तक स्पष्ट। हाँ अब देखो इस जो उजरा वाला रिंग बनाए हैं इसका सेंटर कुछ यहाँ होगा, होगा कि नहीं होगा, अगर उसका हाँ सेंटर वहां पे हो रहा है तो इसका रेडियस ये हो जाएगा, और ये रेडियस कितना होगा, देखो ये यहाँ से यहाँ तक आर है, तो ये कितना हो जाएगा, आर साइन थीटा होगा ना, हाँ आर साइन थीटा हो जाएगा। तो बताओ इस रिंग को जब हम खोलेंगे तो कुछ इस प्रकार से मिलेगा, ये मोटाई कितना मिलेगा हमें, आर डी थीटा, और ये लंबाई कितना होगा, 2 पाई आर, तो 2 पाई, इसका रेडियस कितना है, आर साइन थीटा, तो आर साइन थीटा, इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, इसका क्षेत्रफल अगर हम डी ए लिखेंगे तो डी ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई, तो 2 पाई आर साइन थीटा इंटू आर डी थीटा ना, तो डी थीटा लिख दें, और ये आर स्क्वायर हो जाएगा। हाँ यहाँ पर क्या आ गया, स्क्वायर। तो बताओ इसका मास किस चीज में डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसके क्षेत्रफल में, तो गोला का क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद है,
जिसमें हम सिग्मा ले लेंगे मास बटा क्षेत्रफल, तो गोला का क्षेत्रफल बराबर 4 पाई आर एस स्क्वायर, सही है। ये जो हमने रिंग बनाए हैं, ये वाला रिंग, इसका मास क्या लिखेंगे, डीएम, तो डीएम बराबर क्या आ जाएगा, हाँ। डीएम बराबर क्या आ जाएगा, सिग्मा इंटू डी ए एम बटे 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। कौन सा मर रहा है, पाई से पाई मर रहा है, आर स्क्वायर मर रहा है, टू तो डी एम इक्वल टू क्या आ गया, एम बाय टू साइन थीटा टेन टू डी थीटा डी थीटा। कहीं गलत नहीं ना हुआ है, नहीं चलो कहीं गलत नहीं हुआ है, तो अब बताओ कि एलिमेंट्री रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर सूत्र क्या होगा। यहाँ आप लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट्री रिंग, एलिमेंट्री रिंग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट्री रिंग, तो बताइए तो क्या हो जाएगा, डी आई लिख रहे हैं, बताओ अभी अभी पढ़े हैं रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एम आर स्क्वायर, एम की जगह पर क्या रख देंगे डी एम, और इसका रेडियस कितना है आर साइन थीटा ना, तो आर साइन थीटा का होल स्क्वायर, क्या सही लिखे हैं। अगर सही लिखे हैं उधर किसका आ रहे हैं, ठीक ना, तो बताओ डी आई इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी एम का मान क्या दे दें, एम बाय टू साइन थीटा डी थीटा इंटू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास डी आई इक्वल टू आ रहा है एम बाय टू मतलब एम आर स्क्वायर बाय टू साइन क्यूब थीटा डी थीटा। अब इंटीग्रेशन कर दें, इंटीग्रेशन कर देंगे तो बताओ इस थीटा का जो मान है, इस थीटा का मान जब ये रिंग यहाँ रहेगा तो थीटा का मान क्या होगा, 0 डिग्री, कितना होगा 0 डिग्री, और जब यही घुस यहाँ आ जाएगा तो ये थीटा घूम के कितना डिग्री पे आ जाएगा, ऐसे आएगा और यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, तो ये थीटा घूम के कहाँ आ जाएगा, इस लाइन पे आ जाएगा, तो उस केस में थीटा कितना डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री, 180 डिग्री मतलब पाई रेडियन। अब यहाँ से इंटीग्रेशन करना है, यहाँ से क्या करना है इंटीग्रेशन, तो आप लोग क्या करो पहले यहाँ तक नोट कर लो, छोटा अक्षर नहीं ना हुआ, देखो तो नहीं हो गया, तो नोट कर लो यहाँ, अब आगे तो गणित है ना।
गया सर। हो गया। तो साइन क्यूब का इंटीग्रेशन आता है। क्यों? हाँ, साइन का इंटीग्रेशन जानती हो, कॉस होता है, लेकिन साइन क्यूब का कॉस क्यूब आई थी रे कॉस क्यूब माइनस बाय थ्री होगा। नहीं, कॉस क्यूब बाय थ्री कॉस लेकिन साइन क्यू आया कहाँ से? अरे क्या करें, इसको अलग बता दें, हाँ इसको अलग बता देते हैं, ठीक ना। जैसे इंटीग्रेशन में क्या है, साइन क्यूब थीटा डी थीटा, इसको क्या लिख देना होता है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा, ठीक ना। साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना। हाँ साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। दसवां में याद की थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो जानते यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन थीटा, अब यहाँ से देखो तो इनटू डी थीटा, जब दोनों को तोड़ो तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कोस साइन स्क्वायर थीटा थीटा डी थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा, यही आएगा ना। बोलिए, हाँ अब साइन साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा ना, तो माइनस कॉस थीटा माइनस इंटीग्रेशन लिख दो कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा डी थीटा, इसका तो इंटीग्रेशन हो जाता है इस वाले पार्ट का, इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन तो हो गया, क्योंकि सिंपल फॉर्मूला पे सेट हो गया, सेट हो गया ना। हाँ लेकिन ये तो फॉर्मूला पर सेट नहीं हो रहा है, तो फिर से देखो इंटीग्रेशन का पार्ट आ जाता है। जैसे हम यहाँ पर फिर से लिख देंगे आई इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस इंटू साइन थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड बनाया जाता है। तो इसमें हम पुट कर देते हैं, क्या पुट कर देते हैं, टी इक्वल टू साइन थीटा, बताओ डी टी बाय डी थीटा करेंगे तो क्या होगा, साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस थीटा, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस से होता है ना, माइनस कॉस होता है, कॉस का माइनस साइन होता है। तो यहाँ से देखो तो डी टी उल्टा कर दिए थोड़ा, यहाँ पर फुट करना होता है ये पीछे वाला का, तो टी इक्वल टू फुट कर दो कॉस थीटा, तो डी टी बटे डी थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस साइन थीटा। यहाँ पर हाँ देखो तो डी टी बराबर क्या आ गया, माइनस साइन थीटा डी थीटा। अब बताओ इसी को क्या किया जाता है, यहाँ पे फुट कर दिया जाता है इंटीग्रेशन में, माइनस लगा देते हैं, कॉस की जगह पर क्या माने हैं, टी, टी स्क्वायर। अब साइन थीटा डी थीटा की जगह पर क्या होगा, माइनस डी टी, बोलो तो। ध्यान दे रही हो क्या, हाँ शीतल, यह स्टेप समझ में आया, देखो कॉस की जगह पर टी, टी रखें
टी स्क्वायर और साइन थीटा डी थीटा की जगह पर हो जाएगा माइनस डी टी, तो माइनस यहाँ लिख दिए और डी टी यहाँ आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन होता है, अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ, क्या कर देंगे, माइनस तो है टी क्यूब है थ्री, अब फिर से दे टी का मान रख दो, तो टी का मान क्या है कॉस है ना, तो माइनस cos Q by 3। तो यहाँ से देखो तो हमारे पास क्या आ रहा है माइनस cos थीटा और माइनस और माइनस प्लस प्लस cos Q थीटा by 3 cos Q थीटा by 3। क्या ये वैल्यू वहाँ पुट कर दे डायरेक्ट, ये वैल्यू हम डायरेक्ट पुट करेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे बोलो, I इक्वल टू mr² by 2। हाँ और उसमें क्या था माइनस में माइनस को प्लस को, हाँ तो माइनस cos थीटा प्लस cos Q थीटा, लिमिट कहाँ से कहाँ आ जाएगा, जीरो से लेके पाई पाई तक आप डाल दें सब वैल्यू। तो जब सब वैल्यू इसमें हम डालेंगे तो बोलो तो क्या आएगा, mr² by 2 माइनस कॉस पाई देंगे ना, कॉस पाई प्लस कॉस क्यूब पाई बाय 3 फिर माइनस माइनस कॉस 0 डिग्री प्लस कॉस क्यू 0 बटे, बताओ तो कॉस 180 डिग्री का मान कितना होता है, माइनस एक, कॉस 180 डिग्री का मान माइनस एक माइनस एक mr² by 2 माइनस वन, इसका कितना हो जाएगा माइनस वन का क्यूब, प्लस ना हो जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा, अब सही लिखते हैं, हाँ अब सही लिखे है ना, हाँ माय, अब इसका कितना हो जाएगा cos 0 का 1 प्लस, हाँ अब करो ना कैलकुलेशन, अच्छा कर लेंगे, तो जो करने लेंगे करके निकालना है mr² by 2 कितना आ जाएगा, ये 2 by 3 प्लस 2 by 3 तो mr² by 2 इनटू कितना आ गया 2 by 3 दो बार है ना, 4 by 3 2 से 2 कट गया, क्या आ गया 2 by 3 mr². तो बताओ आप ही I बराबर क्या आ गया 2 by 3 mr² ऐसा ही लिखे कि नहीं लिखे है, यहाँ पर देखो तो देखो ये 3 बस एक गया 2 बचेगा 2 by 3 माइनस यहाँ आ जाएगा -2 by 3 फिर माइनस बाहर बाहर निकलेगा तो +2 by 3 आ जाएगा, इसको नोट कर लो, जब साइन इसका जो ये वाला पार्ट है इसका हम पेज बदल देंगे तो वो साइड में नोट कर लेना, वो यहाँ पे है ना साइन क्यूब का इंटीग्रेशन,
यहाँ पर पेज पलट देंगे, जब वो हो जाए तो बोल देना। हाँ यही रहने दीजिए, पहले यही रहने दें। ठीक, इसको साइड में लिख लेना कैलकुलेशन के बाहर, पहले ये नोट करो लाइन से। वो कर लिए, पूरा कर ली नोट, वो कर लिए। ठीक है ये कर लो। तो हो गया सर, अब रहने दीजिए। एम करीम क्वेश्चन का फोटो खींचो ना, अपना मोबाइल का कैमरा ऑन करो तो, और एम करीम बुक का जो क्वेश्चन होगा कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला वो दिखाओ ना। सर अभी मैं जहाँ हूँ वहाँ पर बुकर नहीं है, बुक नहीं है, मतलब घर से दूसरी जगह हो। घर पे नहीं हो? नहीं, अपने नानी गांव में हूँ। अच्छा है, ऑनलाइन पढ़ाई का फायदा उठा रही हो। ठीक है तो लिख नोट कर लो, पानी वानी पी लो, एक दो सवाल बता देते हैं हम करीम का। बता दीजिए सर। पानी पी ले। अच्छा रहने दीजिए ना, बार बार वीडियो कट जाती है। आप जब बोलती होगी तब वीडियो कटता होगा। नहीं, आप बताते भी रहते हैं तो इंटर तो शायद मेरा वाईफाई नेट डाल लो नहीं चलता है। नहीं आपका कि मेरा? मेरा तो वाईफाई लग गया, इंटरनेट तो धकाधक चल रहा है इधर। चलो ठीक है, एम करीम बुक है ना, हाँ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लास्ट में क्वेश्चन होगा वो बना लेना। ठीक है। हाँ तो 2 मिनट रुक जाओ, क्वेश्चन भेज देते हैं।
एक चीज बताओ तो, ये ऑनलाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं ना होता है? नहीं, जैसे बहरी जाने आने में थक जाती होगी, इस तरह का प्रॉब्लम तो नहीं होता होगा? ठीक है, तो कल आओ टाइम पे। ठीक है।